हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चित्रा फूड ब्लॉग। आज मैं आपके लिए भरवा बैंगन की इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी कि बिना झंझट के हम भरवा बैंगन कैसे बना सकते हैं और बैंगन को भरने का, मसाला भरने का इसमें कोई झंझट नहीं होगा और बहुत ही आसानी हम ये भरवा बैंगन बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर छोटे वाले बैंगन लिए हैं और के डंठले पीछे से काट दिए हैं और छोटे छोटे इसको ऐसे छील लेंगे इनके डंठलों को। इसी तरह से सारे बैंगन अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद बैंगन में कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हम इन्हें चेक करेंगे कि अंदर से ख़राब तो नहीं है। इसी तरह से हम सारे बैंगन काटेंगे और सारे बैंगन को चेक कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और तेल को तेज गरम कर लेंगे। उसके बाद तेल में हम ये बैंगन तलेंगे। और 2 से 3 मिनट तक हम इन बैंगन को ऐसे ही फ्राई करेंगे जब तक इनका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ी देर ढकने से ये बैंगन थोड़े थोड़े गल भी गए, सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें हम तेल में 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए डाल देंगे, नमक डाल देंगे इसमें और प्याज को अच्छे से बुझा लेंगे। दो चम्मच हम इसमें लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। मसाले को चलाते रहेंगे जब तक कि मसाला अच्छे से नहीं भुन जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। इन्हें भी हम मसाले के साथ पकाएंगे और आँच हमें धीमी ही रखनी है। धीरे धीरे हम इसे पकाएंगे और 2 टमाटर की प्यूरी बना के हम इसमें डाल देंगे या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और 3 से 4 हम हरी मिर्च काट के डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि मसाला जलेगा नहीं यहाँ पर। मसाला भुन जाने के बाद हम ये तले हुए बैंगन इसमें डाल देंगे और अब हम मसाले के साथ इन बैंगन को पकाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 2 चुटकी कसूरी मेथी, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और ये खाने बहुत टेस्टी लगेंगे और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा ये बैंगन हमने बिना भरे बनाया। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे
उसे 2 से 3 मिनट हम ढककर पकाएंगे। ये देखिए बैंगन अच्छे से गल चुके हैं। अब ऊपर से हम इसमें हरा धनिया काट कर डाल देंगे। और आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके भरवा बैंगन की रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई नई वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।